गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे आई विल डील न्यू टॉपिक डेनिडा. इट्स फुल फॉर्म डेनिस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी. सो फर्स्टली आई विल टीच इंट्रोडक्शन. डेनिडा इज द ब्रांच दैट द डीमार्क यूज फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू अदर कंट्रीज. इट मीन्स डेनिडा क्या है? डीमार्क का ब्रांच है. और ये किस चीज़ का यूज़ होता है? ह्यूमैनिटेरियन मीन्स ह्यूमैनिटेरियन मीन्स जो इंसान है वो एकता के साथ काम करते हैं, एकीकरण. एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू अदर कंट्रीज, इट मीन्स मानवता एक साथ काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, और वो अदर कंट्रीज में भी काम हो सकता है. ये मेन काम है इसका. डेनिडा प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर 3 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. डेनिडा जो है 3 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट करता है. फर्स्ट डेनलेप, मींस ये लेप्रोसी के ऊपर काम करता है. देन डेंटेप, डेंटेप है जो ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम करता है. डेनपे, देन पीसीबी, ये ब्लाइंडनेस के ऊपर काम करता है. सो फर्स्ट डेफिनेशन ये बता रहा है कि डेनिडा डीमार्क का ब्रांच है और ये एकीकरण प्रोवाइड करता है. एकीकरण एक मतलब एक साथ मिलजुल के काम करता है. मतलब मानव जो है वो एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ग्रुप में मिल के काम करते हैं और ग्रुप के मेंबर होते हैं, उस टाइप से एक साथ काम करता है और एक न्यू डेवलप प्रोजेक्ट बनाता है. और ये जो प्रोजेक्ट है अदर कंट्रीज में भी चलते हैं. इसके साथ साथ ये 3 नेशनल प्रोग्राम बनाता है. फर्स्ट जो लेप्रोसी के ऊपर काम करता है, सेकंड ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम करता है, और थर्ड ब्लाइंडनेस के ऊपर काम करता है. द नेक्स्ट, डेनिडा हेल्प ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम सिंस 1976. और ये जो डेनिडा है ये डेवलप किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? हमारा नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम ब्लाइंडनेस प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है, मींस हेल्प करता है. कब से? 1976 से. मींस नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम जब बना तब ये डेनिडा इस चीज़ को हेल्प करने के लिए ये भी लॉन्च हुआ. इट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनी सीरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम, सपोर्ट वहीकली एंड डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ एजुकेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. और इसके साथ साथ ये क्या चीज़ को डेवलप कर रहा है? मैन पावर्स को डेवलपमेंट करता है, क्योंकि जो पीपल्स है वो एक साथ काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो क्या होता है? यूनिटी बढ़ता है. इसके साथ साथ पावर्स भी ऑलरेडी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता है. जैसे कि उसमें क्या होता है, बहुत से लोग अपना अपना राय देते हैं, अपना अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, और इससे क्या होता है, सब लोग डिस्कस करके हर किसी का इंफॉर्मेशन जो सूटेबल होता है उसको लेके इन लोग इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं. तो हर इंसान में एक पावर आ जाता है कि सपोर्ट के साथ काम करने से हर व्यक्ति को वर्क को आसानी से करने में हेल्प होता है. और इसके साथ साथ सीरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट होता है, और सपोर्ट वहीकली और डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ एजुकेशन मटेरियल. और जो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल है, जैसे AV/AIDS, ऑडियो विजुअल वेट्स, ये सब चीज़ें और इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें ये डेवलप करता है. द नेक्स्ट स्टेज 3, 1997-2002, द एजेंसी अप्रूव्ड ए प्रपोजल ऑफ रेट 31-71 करोड़. स्टेज 3 में जो डेनिडा एजेंसी है ये क्या किया है, 31-71 करोड़ प्रपोजल किया है. मतलब कि ये एजेंसी वर्क को करने के लिए 31-71 करोड़ रुपए लगाया है. दिस इज आल्सो फाइनेंशियल एजेंसी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ डीमार्क. और ये क्या है, एक आर्थिक एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी है. किसके अंदर का?
गवर्नमेंट के डिमार्क के, गवर्नमेंट डिमार्क के अंडर का ये एक फाइनेंशियल एजेंसी है। द नेक्स्ट, द एजेंसी सपोर्ट टू MCH प्रोग्राम इज डिफरेंट पार्ट ऑफ साउथ इंडिया एंड गवर्नमेंट इज गिविंग ग्रांट फॉर कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिसा। और ये एजेंसी किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? MCH प्रोग्राम, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, मदर को और चाइल्ड के दोनों के सपोर्ट के लिए, दोनों का हेल्थ सिस्टम के सपोर्ट के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है, उनका डेवलपमेंट के लिए। इसमें भी ये हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किस जगह पे, साउथ इंडिया की गवर्नमेंट को। और ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है डेनिडा, किस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, कि उड़ीसा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ट्यूबरक्लोसिस के केस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, ये MCH प्रोग्राम चला रहा है, MCH प्रोग्राम में भी हेल्प कर रहा है, इसके साथ साथ ये ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल करता है किस एरिया में, उड़ीसा ट्राइबल क्षेत्र। अब देखते हैं एम्स, द एम डिमांड्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन इज टू रिड्यूस पुअर्टी थ्रू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो डीमार्क है, ये जो डेनिडा एजेंसी है, ये फाइनेंशियल में भी आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो द एम डीमार्क डेवलपमेंट कोऑपरेशन, और इसका एम क्या है, डेवलप करना, कोऑपरेशन के साथ वर्क करना और रिड्यूस करना पुअर्टी को, गरीबी को रिड्यूस करना और प्रमोट करना ह्यूमंस के राइट्स को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसका पहला एम ये है कि ये एक साथ मिलजुल के काम करना, इसका पहला एम है। उसके साथ साथ इसका एम है कि गरीबी को दूर करना और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, आर्थिक मंदी जो है उसको बढ़ाना, मतलब आर्थिक जो लोग गरीब हैं उनको दूर करना और आर्थिक व्यवस्था जो अच्छा नहीं है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करना। इट इज़ फोकस ऑन सम ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये सबसे ज़्यादा, ये जो डेनिडा एजेंसी है, ये सबसे ज़्यादा पुअर कंट्री में फोकस लगा के बैठा है कि उसको कैसे डेवलप करूं, पूरे वर्ल्ड के पुअर कंट्री को फोकस लगा के ये बैठा है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये हमारे देश के लिए नहीं, सारे देश के लिए वर्क करता है। द नेक्स्ट फोर मेन प्रायोरिटी एरियाज, और ये जो डेनिडा एजेंसी है ये चार एरियाज में बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। सो फर्स्ट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ह्यूमन राइट्स मीन्स कहीं ऐसे जगह होते हैं जिसमें ह्यूमंस के बहुत से अधिकार होते हैं, बट कई लोग उनके इस अधिकार को सही तरीके से जीने नहीं देते अभी भी। तो ये क्या है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट ग्रीन ग्रोथ, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के ऊपर भी ये वर्क करता है। सोशल प्रोसेस, अपने सोसाइटी का, अपने वर्ल्ड के सोशल का ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है। स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी मीन्स मतलब स्टेबल रहना, पूरा हर चीज़, हर व्यवस्था को सही ढंग से बनाना, इसके साथ साथ जो व्यवस्था बना है उसको प्रोटेक्ट करना। इट मीन्स जैसे कोई डिजीज कंडीशन हुआ है तो क्या होता है, डिजीज कंडीशन को सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चेक करके उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करके स्टेबल कंडीशन में लाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि पर्सन को फीवर है तो हम लोग मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाने के बाद जब पर्सन को फीवर रिड्यूस हो गया तो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए गर्म पानी पीते हैं, स्वेटर है पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, इस टाइप से प्रोटेक्ट करते हैं, उसी टाइप से ये अपने वर्क को प्रोटेक्ट करता है। द नेक्स्ट फंक्शन, अब देखते हैं डेनिडा की क्या क्या फंक्शन है। डेनिडा हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ डीमार्क्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन।
डेनिडा क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। इसमें क्या करता है, किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए प्लानिंग करता है, प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करता है। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी एश्योरेंस। उसके साथ साथ ये कॉपरेशन के साथ वर्क करता है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किसी प्रोजेक्ट को कजरन की प्लानिंग करता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस वर्क करता है, उसके बाद डेवलप करता है कोऑपरेशन। द नेक्स्ट, देयर आर लोकल एंड पोस्ट स्टाफ ऑफ डेनिस एम्फेसिस द मिशन बोर्ड WHO as are responsible for the administration and management of DMARC। और ये क्या करता है, लोकल और पोस्ट स्टाफ एम्फेसिस एंड मिशन बोर्ड, ये लोकल और पोस्ट पेड स्टाफ को भी मीन्स अप्रिसिएट करता है, और ना वर्क पड़ने पर ये हेल्प मतलब उन लोग से हेल्प लेता है, क्योंकि जो पोस्ट स्टाफ है उन लोग को इस वर्क में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो उस सब को ये लेके चलता है मिशन बना के WHO के साथ, रिस्पॉन्सिबल के साथ, और एडमिनिस्ट्रेटिव करके मैनेजमेंट करता है डीमार्क का। द नेक्स्ट, डेवलपमेंट कॉपरेशन विद द इंडिविजुअल कंट्री। और डीमार्क क्या करता है, कॉपरेशन को डेवलपमेंट करता है हर एक इंडिविजुअल कंट्रीज। सो फंक्शन है कि ये पहला इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये प्लानिंग के साथ काम करता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, फिर ये क्वालिटी डेवलपमेंट करता है, उसके बाद ये कॉपरेशन के साथ वर्क करता है। द नेक्स्ट, ये लाइन बता रहा है कि ये जो लोकल और पोस्ट स्टाफ है उसको क्या करता है, एक मिशन तैयार करता है इन लोग के लिए WHO के अकॉर्डिंग, और उन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वापस एडमिनिस्ट्रेटिव करता है और मैनेजमेंट करता है डीमार्क के साथ। और डीमार्क क्या करता है, पूरे हर इंडिविजुअल कंट्री में कॉपरेशन के साथ वर्क करता है और हर इंडिविजुअल कंट्री में डेवलप करता है कोऑपरेशन। सो टुडेज टॉपिक इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट।